मॉर्निंग स्टूडेंट, इन दिस हिंदी क्लास टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक मात्राएं. ओके, सो इन हिंदी ग्रामर टुडे वी लर्न मात्राएं. मात्राएं क्या होती है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द डेफिनेशन ऑफ मात्रा. यदि मात्रा किसे कहते हैं तो मात्रा की डेफिनेशन है व्यंजनों के साथ. अब व्यंजनों के साथ तो व्हाट इज व्यंजन? जब हम स्वर लिखते हैं, हमने पिछले जो क्लास की अपनी उसमें ये पढ़ा भी था कि जो स्वर थे वो कौन से थे. अ से जो अह तक हम बोलते हैं और एक होता है जो हम क से ग तक राइट करते हैं. सो इसमें हमने देखा था कि इनमें से जो 11 थे उनको हमने स्वर की कैटेगरी में रखा था और जो 33 थे उनको हमने व्यंजन की कैटेगरी में रखा था. यानी कि क से लेकर ह तक जो हम बोल रहे थे इनको हम क्या कह रहे थे? व्यंजन कह रहे थे. और ये वही व्यंजन है जिसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. तो व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगते हैं, अब ये व्यंजन है, आप राइट करते हो क ख ग घ ड. जब हम ये राइट करते हैं तो इनके साथ स्वरों के चिन्ह चिन्ह मतलब जो निशान हम लगाते हैं. जैसे हमने ये क के ये निशान लगा दिया, ख के ये वाला निशान लगा दिया, ग के हमने ये वाला निशान लगा दिया, घ के हमने ये वाला निशान लगा दिया. तो मैंने इनके कुछ चिन्ह लगाए हैं, इनको हम बोलेंगे चिन्ह. तो ये जो चिन्ह हमने लगाए हैं इन्हें ही हम मात्रा कहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड दैट? मात्रा किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों में हम स्वरों के कुछ चिन्ह लगा देते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं. सो बहुत ही इजी है अगर हम इसको समझे तो कि मात्रा किसे कहते हैं. एक बार फिर से इसको हम डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे दैट व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं. अब ये जो स्वरों के चिन्ह है हमें पढ़ना है इनको. आज हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वरों के जो चिन्ह है इन चिन्हों को हम पढ़ेंगे. यानी कौन कौन से चिन्ह होते हैं? तो देखो स्वर, सबसे पहले हम स्वर देखते हैं. स्वर है हमारे पास में अ आ ई बड़ी ई उ बड़ा उ. इसे हम क्या बोलते हैं ऋषि? ए आई ओ औ अं और अह. ये हम बोलते हैं स्वर. और इन सभी स्वरों का अपना एक एक निशान होता है, अपना एक एक चिन्ह होता है. और वो चिन्ह कौन कौन से हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अ से अनार हम पढ़ रहे हैं, अ से अनार का कोई चिन्ह नहीं होता है. अ से अनार का याद रखोगे, देखो मैंने ये जो सर्कल बनाए हैं, सर्कल में ये सर्कल एकदम ब्लैंक दिख रहा है आपको, खाली है, कुछ भी नहीं है, मतलब अ का कोई चिन्ह होता ही नहीं है. याद रखेंगे हम अ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है. फिर आता है टू नंबर पे आ. तो देखो आ का चिन्ह ये है, आ का चिन्ह क्या है? ये है. ठीक है, यानी आ की ही मात्रा है. हम चिन्ह को ही तो हम मात्रा कह रहे हैं, तो आ की ये क्या है? मात्रा. आप क लिख रहे हो, अब क के आप क्या कर रहे हो? आ का चिन्ह लगा दोगे. ये लो हमने क के आ का चिन्ह लगा दिया, यानी हमने एक चिन्ह लगा दिया. इस चिन्ह को हमने क्या बोला? मात्रा. हम ऐसे तो बोलते हैं क के आ की मात्रा, ख के ई की मात्रा, क के ई की मात्रा, क के उ की मात्रा. तो क के हमने स्वर का चिन्ह लगा दिया और इससे हमारा ये बन गया का. तो इसी तरह से ये किसका चिन्ह है? आ का. अ का कोई चिन्ह नहीं होता, आ का चिन्ह हमने पढ़ लिया. फिर आता है छोटी ई जिसको हम बोलते हैं, तो छोटी ई का चिन्ह है ये है. देखो इस तरह से ये है छोटी ई का चिन्ह. छोटी ई का चिन्ह लग रहा है और ये छोटी ई और बड़ी ई, ये है आपके बड़ी ई का चिन्ह. मैंने बार बार आपको पहले भी क्लासेस में भी बताया है, वीडियोस में भी एक चीज बताई है कि हमेशा ये दो ई आ रहे हैं, ये दो उ आ रहे हैं, यहाँ पे दो ए आई आ रहे हैं. सबके अंदर डिफरेंस रखोगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो. तो इसमें भी जैसे हम ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है. एक स्टोरी बताई थी मैंने आपको कि ये छोटी थी और ये इसके
बड़ी सिस्टर थी और बड़ी है तो इसकी क्या है, मम्मा ने क्या बना दी, बाल, बाल भी बड़े हो गए तो ये छोटी बना दी थी। और छोटी इसकी हमेशा एक साइड में झुकी हुई रहती थी ना, हमेशा ये इस साइड में झुकी हुई रहती थी। सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं, छोटी ई ये तो छोटी थी नहीं तो वो इधर, और बड़ी ई को याद रखेंगे कि उसकी चोटी हमेशा इस साइड में थी। ये देखो ये हमने ई लिखा, ये इसकी चोटी इधर घूम गई। उसी तरह से इसकी मात्रा को भी हम हमेशा इस साइड में घुमा देते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि छोटी ई की मात्रा कौन सी साइड लगती है, बड़ी ई की मात्रा कौन सी साइड लगती है। तो ये कौन सा स्वर है, छोटी ई का चिन्ह है और ये बड़ी ई का चिन्ह है। इसी तरह से फिर छोटा उ और बड़ा उ आ जाता है। तो इसके बाद में आता है छोटा उ और बड़ा उ। देखो बड़े उ में भी एक डिफरेंस है, जैसे छोटी और बड़ी में था कि हमने उसकी एक चोटी देखी थी, इसमें इसकी एक टेल निकलती है। छोटे उ के टेल नहीं है, बड़े उ के एक पीछे एक टेल लगी है ना, और ये टेल इस साइड में है। तो छोटे उ का जो चिन्ह है वो ऐसे होता है, यानी कि सर्कल को ऊपर से घुमाते हुए लाते हैं, और बड़े उ का चिन्ह होता है जिस तरीके से इसकी टेल आ रही है उसी तरीके से इस तरह से, यानी सर्कल को ऊपर लाएंगे। पहले यहाँ हम सर्कल को ऐसे लेके जा रहे हैं, यहाँ हम सर्कल को इस तरह से लेके जा रहे हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस है, ये ऊपर से घूम रहा है और ये नीचे से घूम रहा है। तो इसी तरह से ये कौन सा निशान है, ये कौन सा चिन्ह है, छोटे उ का, और ये चिन्ह है बड़े उ का, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा चिन्ह आता है, ऋषि ऋषि, इसको हम बोलते हैं ऋषि ऋषि। और इसकी इसका जो चिन्ह है वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आप मात्रा लगाते हो ऋषि की, जैसे मान लो हमने क है, क के ऋषि की मात्रा लगानी है, ये लो ये बन गया। और इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे फिर, क्र, जो ये बीच में डंडा होता है इसके ऊपर इसकी मात्रा यहाँ से शुरू होती है इस तरीके से, और इसको हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, क्र। ऋषि है, र की मात्रा है इसकी क्र, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्र की मात्रा लगाते हैं। अभी एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे हमने अभी क की और ये मात्राएं पढ़ी, तो ये मात्राएं जो आपका व्यंजन आप लिख रहे हो उस व्यंजन पे जो भी, जैसे हमने ये ख लिखा है तो हमने ये मात्रा, ये जो इसकी लाइन होती है ना इस पे से लगानी होती है हमेशा। ये छोटे उ की लगा दी और ये बड़े उ की लगा दी, लेकिन जो र लिखते हो ना, ये हम र लिख रहे हैं, र के हमेशा नीचे मात्रा नहीं लगती है, र के एकदम बीच में मात्रा लगती है, ठीक है। बड़ा ये देखिए यहां से इसकी मात्रा लगती है, ओके। फिर र के बाद में आता है आपके ए, ए से एडी की मात्रा, ए से एडी, ये इसका चिन्ह है ए से एडी, ठीक है। यानी लाइन के ऊपर आप वन इस तरह की मात्रा लगा रहे हो, ये किसका निशान है, ये किसका चिन्ह है, ए से एडी। आई से ऐनक पे हम ये टू लगा देंगे, डबल हो जाएगी सिंगल से, ठीक है। आई से ऐनक, इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे ए और इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे आई, बिकॉज ये ए से एडी है और ये आई से ऐनक है। नेक्स्ट आता है ओ, देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जो हमने ए की मात्रा लगाई थी ऊपर सेम सिंगल रहेगी बट नीचे वन लाइन एड हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे ओ से ओखली की मात्रा, ठीक है। फिर आती है औ से औरत की मात्रा, सिमिलर है, ऊपर टू मात्रा रहेगी नीचे वन लाइन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाती है औ की मात्रा, यानी ये औ का चिन्ह है हमारे पास में। और फिर आता है अंग, अंग पे हम ऊपर एक डॉट लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे इसके ऊपर, ये अंग की निकल जाएगी। जैसे आप बंदर लिखते हो ना तो ये ब होता है, ये ऊपर अंग की मात्रा, ये बंदर बन जाता है, जैसे हमने ऊपर इसमें एक डॉट लगा दिया तो ये हमारी अंग की मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट आता है अह, अह आवाज किसकी निकल गई, प्रोनाउंसिएशन इसका करते हैं हम ह से, अह लास्ट में ह की आवाज आ रही है। जैसे कि हम कोई वर्ड लिखे देखते हैं, ये फल तह, ये त के अह की मात्रा लगा, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, फलतः, त के साथ ह बोलोगे आप, फलतः, ओके। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे जो मात्रा थी वो किस तरीके से बनती है, मात्रा किससे बनती है, स्वर से बनती है। और स्वर क्या होते हैं, अ आ ई ई उ, ये सब क्या है, स्वर है। इनसे जो मात्राएं बनती है उन मात्राओं को हम किस पे लगाते हैं, व्यंजन पे लगाते हैं।
और व्यंजन कौन से हैं हमारे क से ह तक जो हम बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में अच्छे से। तो व्यंजन के ऊपर स्वरों के जो चिन्ह लगते हैं ना, ये उन्हीं को हम मात्राएं बोलते हैं। ओके, एंड फिर हम देखते हैं कि जो व्यंजन होता है ना हमारा, तो व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के बारे में थोड़ा सा मैं इसमें और बता देती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा समझने के लिए। अब हमारे पास में पहला व्यंजन है क, हम ख भी लिखते हैं, ग लिखते हैं, इस तरह हम अपने हर तक के व्यंजन लिखते जाते हैं। तो ये जो क आप देख रहे हो, ये क कब बनता है, ये अभी पूरा इसका कोई अर्थ नहीं है, इनके साथ में हमेशा स्वर जुड़ा हुआ होता है। कौन सा स्वर जुड़ा होता है इनके साथ में, जैसे हमने ये कह आधा होता है, इसके साथ में हम अ ऐड कर देते हैं तब ये जाके पूरा क बनता है, बिना अ की आवाज के ये हाफ है, इसका कोई मतलब नहीं है। क के साथ में जब एक स्वर जुड़ेगा तब ही उसका कोई मतलब निकलेगा, यानी तभी वो पूरा क बनेगा। इसी तरह ये क है, ये हाफ है पहले, बट इसके साथ में हम एक स्वर जोड़ दिया, हमने आ जोड़ दिया, तब ये क्या बन जाएगा, का बन जाएगा। ठीक है, वही सेम है कि अगर जैसे हमने ये चिन्ह लगाने देखे थे, तो कोई भी जो व्यंजन होता है वो तब तक इनकम्प्लीट होता है जब तक उसके साथ में कोई स्वर नहीं जुड़े, तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। यानी इसका एक सार्थक शब्द बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ में जो कुछ चिन्ह है वो जोड़ने पड़ते हैं और उन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। और यही हमारा जो टॉपिक है, इसका जो फर्स्ट हमें चीज देखनी है, जो याद करनी है, वो भी यही है कि मात्रा क्या होती है। हमें पता होना चाहिए कि हम मात्रा किसको बोलते हैं। तो कोई भी शब्द अगर हम बना रहे हैं, जो हम भाषा बोल रहे हैं, जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है, वो शब्द कैसे बने, तो व्यंजन के साथ में जब हमने स्वरों के चिन्हों को जोड़ दिया तब वो क्या बन गए, शब्द बन गए। ओके, इस तरह से इस टॉपिक को आपको देखना है। चलिए, मात्राएं हमने पढ़ ली है अच्छे से। मात्राओं के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो है शब्द। शब्द क्या होते हैं, तो वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। अब इसमें काफी चीजें ऐसी है जिसका मतलब आपको नहीं पता। सबसे पहली बात वर्ण, दूसरा सार्थक क्या होता है। तो पहले हम चलते हैं वर्ण पे ही कि वर्ण क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला, वर्णमाला में क्या थे, जो आपने 44 लेटर्स देखे थे जिनको हम क्रमबद्ध रूप में, व्यवस्थित रूप में, यानी अ से लेके लास्ट तक पूरे के पूरे लेटर्स को हम एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, उसे हम क्या बोल रहे थे, वर्णमाला। तो उसमें जो लेटर्स आप लिख रहे थे, अ आ ई क ख ग घ, वो सभी क्या थे, वर्ण थे। वर्णों का सार्थक मेल, अब सार्थक क्या होता है, सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ निकले। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। निरर्थक मतलब बिना अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, और सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ निकलता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दो शब्द लिखे, एक मैंने लिखा है मर आ, एक मैंने लिखा है आ म। आप एक बार में पढ़ने पे आप सब ये सोचोगे ये म आ क्या होता है, म आ क्या होता है, म आ कुछ होता है या नहीं होता है। आम आपने देखते पहचान लिया, आम क्या होता है, एक फ्रूट का नेम होता है। मतलब क्या है कहने का, कि सार्थक का मतलब जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई अर्थ निकले। तो इन दोनों में से अर्थ किसका निकल रहा है, अर्थ आम का निकल रहा है। ये मैं आ ये कोई शब्द ही नहीं है, हमारे पास में शब्द है आम। अगर हम इस आम को उल्टा लिख देंगे, यानी म को पहले और आ को बाद में लिख देंगे, व्यवस्थित रूप से नहीं लिखेंगे, मतलब ये शब्द क्या हो गया, निरर्थक हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। तो शब्द वही होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। और शब्द कहते किसे हैं, जो हमारे वर्ण होते हैं उन वर्णों को आपस में इस तरीके से मिलाया जाए, इस तरीके से लिखा जाए कि उनका कोई अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने लिखा कमल,
आप सबको पता है कमल क्या होता है ना, लेकिन मैं इसको एक नमक, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा, लमक कुछ भी नहीं होता। कमल को देखते आप पहचान जाओगे हाँ ये फ्लावर का नेम है, मतलब कि इनको हमने इन वर्णों को यहाँ पर वर्णों का सार्थक मेल किया है, इनको इस तरीके से मिलाया हमने कि इनका कोई ना कोई अर्थ निकल जाए, इसलिए शब्द की डेफिनेशन हो जाती है वर्णों का सार्थक मेल होता है उसी को, जिसमें वर्णों का सार्थक मेल हो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये थे हमारे कुछ शब्द इस तरीके से। सेकंड हम आते हैं वाक्य, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या है, वाक्य। हमने पढ़ लिया शब्द किसे कहते हैं, तो जो हम कुछ एक छोटा छोटा शब्द लिखते हैं इसे हम शब्द कह रहे हैं, क्योंकि ये दो या तीन या चार अक्षर तक में कंप्लीट हो जाता है, पांच अक्षर तक में कंप्लीट हो जाता है। बट जो हम लोग पूरी लाइन लिखते हैं, इंग्लिश में आप बोलते हो एक पूरा सेंटेंस बना देते हैं, पूरी लाइन बना देते हैं, वो हमारी हो जाती है वाक्य। और उसमें भी एक कंडीशन ये होती है, एक शर्त ये होती है कि उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अब वाक्य की पहले हम डेफिनेशन देखें तो शब्दों का सार्थक समूह, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो शब्द हमने छोटे छोटे शब्द बना दिए, इन शब्दों से जब हम एक पूरी लाइन बना देंगे और उस लाइन को हम इस तरीके से लिखेंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि उसका कोई अर्थ निकले, तो वो क्या हो जाता है, एक वाक्य। कहने का मतलब है जो शब्द होते हैं वो 3 लेटर 4 लेटर 5 लेटर तक सीमित होते हैं, लेकिन जो वाक्य होता है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, उसमें पूरी लाइन आ जाती है, 2 लाइन 3 लाइन, वाक्य कितना भी बड़ा हो सकता है, शब्द होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वाक्य का एग्जाम्पल लेते हैं हम, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मैं लिख देती हूँ हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने एक लाइन लिखी कि हम पढ़ रहे हैं, ओके। हम पढ़ रहे हैं मतलब कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमने एक लाइन लिखी जिसका कोई अर्थ है, इसका एक मतलब निकल रहा है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ये लाइन बड़ी है, इसमें 2-3 लेटर का कोई मतलब नहीं, इसमें हमें इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए पूरी लाइन है बातचीत की, इसका मतलब कि ये क्या है, वाक्य है। अगर सिर्फ हम की बात करें, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ शब्दों को मिला दिया, 2, 3, 1, 2, 3 कितने भी हमने शब्दों को मिला दिया, और इन शब्दों को मिलाकर हमने एक समूह, समूह होता है ग्रुप, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ शब्दों को मिलाकर एक ग्रुप बना दिया उनका, और इस ग्रुप से हमारे पास में एक पूरा वाक्य आ गया है, और इस वाक्य का कोई अर्थ भी निकल रहा है ना। हमने क्या किया, कुछ शब्द लिए, शब्दों का एक समूह बना दिया, और उस समूह का अर्थ भी निकल रहा है, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, अपना वाक्य मिल गया है। सो डेफिनेशन लर्न करना बहुत इजी है कि शब्दों का सार्थक समूह है होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। इसी लाइन को चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को मैं ऐसे लिख देती हूँ, अभी भी मतलब कोई निकल रहा है ना, रहे पढ़ हम हैं, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे किसी को कहोगे कि हम पढ़ रहे हैं तो वो आपकी बात को इजीली समझ जाएगा, लेकिन रहे पढ़ हम हैं, ये लाइन का कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब इसको हमने क्या किया है, समूह में एक शब्दों को हमने किसी अर्थ में नहीं लिखा है, व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा है, इसलिए ये लाइन हमारी रॉन्ग होगी। इस तरह से अगर हम शब्दों को इस रूप में लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, यानी वो हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा। अगर हम उनको एक व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तभी वो हमारा वाक्य कहलाएगा, यानी जिसका अर्थ निकलता हो वो ही होता है हमारा सार्थक वाक्य। यानी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सार्थक वाक्य, वो यही है कि लाइन जो भी आप लिख रहे हो, जो भी वाक्य आप लिख रहे हो, उसका अगर अर्थ निकल रहा है तब तो वो सार्थक वाक्य है, वरना वो निरर्थक वाक्य है, यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको लिखने से हमें कोई मतलब नहीं है, उसको सामने वाला समझ ही नहीं सकता है। तो सार्थक वाक्य कौन से होते हैं, जिनका कोई अर्थ निकलता
हो, उन्हें हम सार्थक वाक्य कहते हैं। सो थ्री टॉपिक थे हमारे चैप्टर थ्री में, मात्राएं, शब्द और वाक्य, जिसको हमने पढ़ा है। मात्राएं होती है जो व्यंजनों के साथ स्वरों के जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। हमने सारे स्वर पढ़े, सभी स्वर के हमने अलग अलग चिन्ह भी पढ़े हैं। और शब्द कहते किसे हैं वो हमने देखा कि वर्णों का जो सार्थक मेल होता है उसे हम शब्द कहते हैं। वाक्य हम किसे कहते हैं कि जब कुछ शब्दों को लेकर और उनको एक साथ में, एक समूह में, एक ग्रुप में रख देते हैं और उनका कोई अर्थ निकल रहा होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। और फिर आता है सार्थक वाक्य, तो एक ऐसा वाक्य, पूरा ऐसा वाक्य जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकलता हो उसे हम सार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, सो यू रीड दिस चैप्टर एंड लर्न आल्सो, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। ओके, टिल देन बाय।